जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जब से एडमिट कार्ड आया है बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है कि किसी का सेंटर चला गया, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, चेन्नई, इतना दूर दूर सेंटर चला गया है, यूपी, पटना, बिहार, राजस्थान। प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो रहा है बच्चों को। कैसे प्रॉब्लम हो रहा है कि अब वो सेंटर वो शायद चूज़ नहीं किए हैं, फॉर्म में फॉर्म फिल करते समय सेंटर भी चूज़ नहीं किए हैं, फिर भी इतना दूर सेंटर चला गया है। अब देखिए, ये गलती तो पूरा नेवी की गलती है, ये मैं मानता हूँ, पूरी गलती नेवी की है। क्यों गलती है? क्योंकि अगर आप इतना पहले एडमिट कार्ड अपलोड कर रहे हो, कितना दिन बचा है एग्ज़ाम को? सिर्फ 7-8 दिन एग्ज़ाम को बचा है, और आप भेज रहे हो केरला में, तमिलनाडु में, चेन्नई में। अब बच्चा कैसे जाएगा? उसके लिए टिकट निकलवाना है, रिजर्वेशन चाहिए। चालू में जाएगा उतना दिन, 3 दिन का सफ़र यहाँ से 23 किलोमीटर दूर, 24 किलोमीटर दूर का सफ़र कैसे वो कंप्लीट करेगा? बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट क्या किया जाए? अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो जाना ही पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो जाना पड़ेगा। हिम्मत बनाओ और जाने की कोशिश करो, यही कहूँगा मैं कि अगर जा रहे हो तो अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ और सिलेक्शन लेके आओ। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ और नए जोश के साथ। तो देखिए, यहाँ पर मैं आज एक नया चैप्टर कराने वाला हूँ, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और बताना आपको, कमेंट करके बताना है कि आपको किन टॉपिकों का कराना है, तो आप बताइए कमेंट करके। और मैं प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करूँगा आज से, कल से प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा, ताकि आपका जो देखता हूँ कितना आपका लेबल है। और मैं लास्ट में प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, ऐसा नहीं है, जितने मैं पॉइंट बताता हूँ उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विकिरण एवं द्रव्य की प्राकृति, तो ये चैप्टर मैंने मॉडर्न फिजिक्स से लिया है। तो मैं मॉडर्न फिजिक्स इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल है, थोड़ा सा है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो यहाँ से आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो इसके बारे में हमें समझना है, और इसका जो डायमेंशन पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट हो। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? किसी खास आवृत्ति की किरणें के लिए किसी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये याद करना है आपको। अब देखिए, एक पूछा जाता है देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति क्या होता है? जैसे यहाँ पर लिखा है, देहली आवृत्ति को म्यू नोट से दिखाते हैं, तो इसको कहते हैं जिस खास आवृत्ति के लिए इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। जिस खास आवृत्ति के लिए इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, जो खास आवृत्ति चाहिए, उसे देहली आवृत्त कहते हैं, इसको म्यू नोट से दिखाते हैं। तो अब इसका जो मात्रक होता है, देखिए देहली आवृत्त का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। अब हर्ट्ज का अगर हम डायमेंशन में चेंज करें तो वो होता है टी इनवर्स। बीमा जो होती है इसका क्या होता है? टी इनवर्स होता है। और कभी कभी क्या दिया रहता है? ये भी दिया रहता है, एम की पावर 0, एल की पावर 0, तो टी इनवर्स। तो अगर ऑप्शन में दिया रहे ये दिया है तो ये भी सही है, अगर ये दिया है तो इसको भी लगा देना, एक ही दिया रहेगा, ऐसा नहीं है दोनों दे देंगे, तो एक ही दिया रहेगा तो आपको ऑप्शन में लगा देना है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कार्यफलन, तो कार्यफलन के बारे में आपको डेफिनेशन नहीं याद करनी है, इसके जितने फॉर्मूले हैं वो याद करना है। तो डेफिनेशन एक बार समझ लो, होता क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके होने पर इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकलते हैं कार्यफलन कहलाते हैं। तो मतलब किसी भी अगर कोई वस्तु है तो उसमें से जितना हम ऊर्जा देते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए, उसी को कार्यफलन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डब्लू नोट इक्वल टू एच वी नोट। डब्लू नोट क्या है? हमारा कार्यफलन है। एच क्या है? प्लांक नीतांक है। तो प्लांक नीतांक का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 6.63, मत याद करना, 6.6 × 10¹⁴ जूल। तो ये इसका क्या है? कार्यफलन का वैल्यू है, तो ये याद करना है आपको। और देखिए इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। और देखिए सी, सी क्या है? हमारा प्रकाश की चाल है, और इसका भी फॉर्मूला होता है सी बराबर होता है वी नोट एच
बी नोट है और लैम्डा जीरो है, तो इसको भी याद कर लेना। और देखिए इसी फॉर्मूले से हम बनाएंगे सी में, यहाँ पर देखो सी में बनाया गया है, तो इसी से रिलेट करके मतलब कि वी नोट बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा नोट होता है। तो इसका जब वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो डब्ल्यू नोट बराबर क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा नोट। तो कैसे आएगा देख लो एक बार, देखिए यहाँ पर डब्ल्यू नोट दिया गया है हमारा एच वी नोट। अब देखो वी नोट की जगह हमें क्या रखना है, सी अपॉन लैम्डा नोट। तो यहाँ वी नोट है तो इसकी जगह हम रख देते हैं सी अपॉन लैम्डा नोट। तो हमारा क्या आ गया, ये जो यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यही फॉर्मूला आ गया ना। तो ऐसे करना है इससे, अब देखो इसका जो बीमा होता है वो हमें समझ लेना है। अब देखो कार्य फलन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, और इसका एक और मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका देखिए ये भी पूछ लेता है इसका डायमेंशन क्या होगा, तो कार्य का मात्रक अगर जूल है तो जूल का डायमेंशन मतलब ऊर्जा का डायमेंशन क्या होता है, तो वो निकाल लेना है आपको। कैसे निकालेंगे, एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू क्या होता है डी होता है, एफ का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और डी का क्या होता है दूरी है ना एल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू कार्य फलन का डायमेंशन है, वीमा है, तो ये याद कर लेना है। और देखिए यहाँ पर कुछ रिलेटेड है जैसे इलेक्ट्रॉन बोल्ट, अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है, ये पूछा गया है तो इसको याद कर लेना है। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन बोल्ट कितना होगा, तो 1.6 × 10⁻³¹ जूल, क्योंकि 1 मिलियन बराबर क्या होता है 10⁶, जब इसमें से मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे मतलब कि 10⁻ कितना था, −19 था, और यहाँ पर 10⁶ से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 माइनस हो जाएगा 19 में से, तो कितना आ जाएगा −13। तो ऐसे बिलियन भी में भी निकाल लेना, क्योंकि बिलियन का होता है 10⁹, तो −19 में से 10⁹ जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10⁻¹⁰। तो ऐसे इसका निकालना है। चलते हैं इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, किससे रिलेटेड, देखो यहाँ पर जो ये ऊपर फॉर्मूले दिए गए हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलिए करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल दिया गया है, किसी धातु के लिए कार्य फलन का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा जब दहली तरंग दैर्ध्य कितना है, 500 नैनो मीटर है। तो दहली तरंग दैर्ध्य दिया गया है कितना, 500 नैनो, तो नैनो को पहले क्या करो चेंज कर लो, तो नैनो बराबर होता है 10⁻¹⁹, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लेमडा बराबर 500 × 10⁻¹⁹, लेमडा दिया गया है। अब देखो ऊर्जा हमें निकालना है, क्या कहा था धातु की कार्यफलन निकालना है, तो कार्यफलन बराबर क्या होता है डब्ल्यू नोट बराबर एच वी नोट। अब यहाँ पर लेमडा दिया गया है तो लेमडा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लेमडा वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दूसरा है, तो इसमें वी नोट दिए रहे तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब लैम्डा दिए रहे तो इसको यूज़ करना है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो ये देखो ये फॉर्मूला लगाए, और सी बराबर कितना होता है, प्रकाश की चाल है वो, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दिया गया और इस वैल्यू को रख दिया गया, और लैम्डा का वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे तो आपका कार्यफलन आ जाएगा, कार्यफलन निकल जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है, एक न्यूमेरिकल और करते हैं देखते हैं। दिया गया है यदि इलेक्ट्रॉन 1000 वोल्ट विभवांतर से होकर गुजरता है तो इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, देखिए पहले हम इसका फॉर्मूला पता करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ईवी होता है, तो ये फॉर्मूला हुआ ई बराबर कितना होता है 1.6×10⁻¹⁹, तो ये हमने रख दिया, और वी का दिया गया है 1000, तो इसको रख दिया और सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया 1.6×10⁻¹⁶ जूल, ये आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा था, देखिए ये तो ऊर्जा आया है बट यहाँ पर पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऊर्जा आया है उसका इलेक्ट्रॉन से जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने से भाग दे देना है,
तो यहाँ पर मैंने भाग दिया है, जितना मतलब तुम्हारा ऊर्जा रहेगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग दे देना है। तो यहाँ पर जब मैंने दिया तो आ गया 10 की पावर 3, तो ये आपका आंसर होगा। तो चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, इन्हीं इनसे मतलब कि रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनका एक प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। तो आपको ये चैप्टर से पूरा क्लियर हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है आवेश को, विभवांतर को, धारक को की ऊर्जा को। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा को मापता है। कैसे, मैंने बताया था ना कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19, और इसके पीछे जूल लगता है। तो जूल जो होता है वो किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का होता है। तो इससे रिलेट करके आप याद करना है इसको, इसको इम्पॉर्टेंट है, तो इसको कैसे भी करके आपको याद करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का मापन होता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया गया है, प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है। तो प्लांक स्थिरांक की जो विमा होती है वो है mL²T−1। तो ये देखिए किस में मैच कर रहा है, तो पहले में मैच कर रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे। तो ए दिया है डी ब्रॉगली, बी है हाइगेंस, सी है H.A. विल्सन, डी है फ्रेंशनल। तो इसके हैं पहला ऑप्शन डी ब्रॉगली। तो आपने सुना होगा डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, तो वही है, मतलब कि इनका नाम जो है डी ब्रॉगली है, तो इसको याद कर लेना। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो स्तंभ विभव हो जाएगा। तो विभव क्या होगा, कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा या आधा हो जाएगा, जो दिया गया ऑप्शन में। तो इसका क्या होगा, दोगुने से अधिक हो जाएगा, जो मतलब कि आवृत्त अगर दोगुनी कर रहे हो तो जो विभव होगा वो भी बढ़ता है, तो वो भी दोगुने से अधिक हो जाएगा, तो ये याद करना है आपको। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कार कौन थे। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो आविष्कार थे आइंस्टीन थे, मतलब जो आविष्कार किया था इन्होंने E=mc² का भी किया है, और E=hμ, और ये क्या है, इन दोनों का इन्होंने आविष्कार किया था। छठा क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है जबकि पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की होती है एक निश्चित। ऑप्शन दिया गया है न्यूनतम आवृत्त, न्यूनतम चाल, न्यूनतम तीव्रता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए सही है, न्यूनतम आवृत्त, मतलब कि ये कि कभी भी अगर जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रारंभ होता है उसके लिए न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, कैसे भी करके इसको याद कर लो। चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होता है उसका एक फॉर्मूला होता है E बराबर होता है H μ। ये फॉर्मूला आप देखे होंगे, फोटॉन की ऊर्जा या फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसी को कहते हैं। अब देखो इसमें जो दिया गया है, प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है कि धातु के कार्य फलन पर। तो यहाँ पर देखो E बराबर हमारा क्या हुआ था, H μ हुआ है। म्यू जो होता है वो क्या होता है, आवृत होता है, और आवृत म्यू बराबर और होता है एक C/λ। लेमडा जो होता है क्या होता है, ये तरंग दैर्ध्य है, तो तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर कर रहे हैं ना। अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दे तो तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर कर रहे हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, P ऑप्शन सही है इसका, मतलब तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करेगा और आवृत्त पर भी निर्भर करेगा। अगर आवृत्त दिया होता ऑप्शन तो आवृत्त भी हम लगाते, अब यहाँ पर तरंग दैर्ध्य दिया है, तरंग दैर्ध्य दिया है, तरंग दैर्ध्य का हम लगाएंगे। तीव्रता तो है नहीं इसमें, तो तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करेगा। कार्य फलन मतलब W0 भी नहीं है, तो इस पर भी निर्भर नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, वह घटना जिसमें कुछ धातु पर प्रकाश पड़ने पर उनमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर किसी धातु पर प्रकाश पड़ रही और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना गया है। प्रकाश को क्या माना गया है? प्रकाश को तरंग भी माना गया है, कण भी माना गया है, तो दोनों माने गए हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देहली आवृत का मात्रक क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया था शुरुआत में, देहली आवृत का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज बराबर कितना होता है? इसका डायमेंशन क्या होता है? टी इनवर्स। तो ये आपको याद करना है। ये इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे पढ़ाना है। कुछ आप बताएंगे तो मैं उसी के हिसाब से आपका प्रिपरेशन करवाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।